अभी हम आ गए हैं ओम बीच पे, वहाँ से पैराडाइज बीच से हम बोट पे आए ओम बीच पे और यहाँ पे हम क्लिप पे ऊपर बैठ के आज सनसेट देखने वाले हैं। एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। अभी हम पहुंच गए हैं गोकर्णा मेन बीच पे, जहाँ पे आज सुबह हम आए थे और आज रात को हम यहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं। मैं सुबह आपको ये जगह दिखाई थी। दिस प्लेस इज गोइंग टू बी आवर होम टू नाइट। यहाँ पे बहुत सारे बैकपैकर्स है और आई डोंट नो कितना दिख रहा है, अंधेरा है, बट बहुत सारे कैंप्स है यहाँ पे और कैंपिंग के साथ ये लोग हमें डिनर एंड ब्रेकफास्ट भी सर्व करेंगे एंड फूड एंड टेंट सब मिला के हमें आया 1500 रुपीज पर हेड। एंड इन लोगों का ट्रेकिंग और पिकअप एंड ड्रॉप एवरीथिंग इंक्लूडेड है, उसके लिए चार्जेस डिफरेंट है। तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी। तो अगर आपको ये जगह अच्छा लगा और आप बीच के सामने कैंपिंग करके रहना चाहते हो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस आई कैन से, सो अगर आप ये करना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली डू। गुड मॉर्निंग गाइज, सो इट्स आवर डे 3 इन गोकर्णा एंड सैडली द लास्ट डे। एंड कल रात को हम ये टेंट पे रुके थे, इट्स क्वाइट अ फेमस प्लेस, बहुत सारे बैकपैकर्स सब आके यहाँ पे कैंपिंग करते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ गोकर्णा मेन बीच। और कल रात को हम लोग यहाँ पे खाना खाए और कल रात का माहौल कुछ ऐसा था। था कल रात का माहौल और यहाँ पे पार्टी ख़त्म होने के बाद हम बीच पे गए एंड इट वाज रियली फन सिटिंग लेट नाइट इन फ्रंट ऑफ अ बीच। यहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं होते हैं रात को कि आप बैठोगे तो आपको मना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बाहर का टूर अभी दिखाऊंगी, उसके बाद विल हेडिंग टू आवर नेक्स्ट प्लेस, आई विल अपडेट यू। तो ये है हमारा टेंट, बट एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये लोग स्लीपिंग बैग नहीं दिए हैं। अगर ये प्लेन सरफेस होता तो इट्स ओके, सैंड के ऊपर बना हुआ है ये कैंपिंग, तो सैंड के ऊपर आपको पता है सरफेस प्लेन नहीं होता है, तो रात को सोने में थोड़ा दिक्कत हुआ मेरा। नाउ आई विल शो यू दिस प्रॉपर्टी अराउंड। तो ये है हमारा टेंट और आप देख सकते हो बैकग्राउंड बहुत सारे टेंट्स है और सारे टेंट यहाँ पे फुल है अभी, क्योंकि अभी सीजन टाइम है और लॉन्ग वीकेंड भी है। बाथरूम और टॉयलेट सब पीछे ही है, कॉमन ही है बट बहुत सारे और क्लीन भी है। आर गोइंग टू चेक आउट गोकर्णा एडवेंचर एंड दिस इज द गोकर्णा मेन बीच। तो अभी हम जा रहे थे बेलेकन बीच के तरफ और रास्ते पे हमें ये व्यू मिला, ये समंदर से बैकवाटर थोड़ा सा आया है और यहाँ पे बहुत सारे स्टिप है एंड द व्यू इज लुकिंग नाइस। तो जितना मुझे पता था कि गोकर्णा में टोटल 5 बीच हैं, बट कल हमें पता चला कि बेलेकन बीच करके भी एक बीच है, इसीलिए हम सोचे ये बीच भी देख लेते हैं। सो वी केम हियर फ्रॉम गोकर्णा मेन बीच, इट इज़ 8 किलोमीटर फार एंड बेलेकन बीच एग्जैक्टली उस साइड है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा बीच दिखा तो इसीलिए हम उतर के नीचे जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा बीच मिला हमें, बेलेकन बीच इज एग्जैक्टली राइट देयर, बट ये छोटा सा बीच हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर आप आना चाहो तो यहाँ पे आके थोड़े टाइम बैठ सकते हो, बट दिस इज़ नॉट अ सनसेट बीच, आप ऐसे आके बस बैठ के चिल मार सकते हो, इट्स
That's nice. तो ये है एक्चुअली बेलेकन बीच. जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी छोटा बीच है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे करने के लिए. इसी तो गाइज इतना ही था मेरा गोकर्णा का सफ़र. ये हमारा तीसरा दिन है और पूरा 3 दिन में बहुत एंजॉय की हूँ गोकर्णा में. अबाउट द स्टेइंग अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट डे का हमारा स्टेइंग हाफवे होम was far better and the service and the room and the price also was reasonable compared to Gokarna adventure. और अगर आप मुझे बीच के बारे में पूछोगे then I will say थोड़ा सा मुश्किल उठा के आप ट्रेकिंग करके ओम बीच से पैराडाइज बीच और हाफ मून बीच जाइए. यू आर गोना एन्जॉय दैट प्लेस. दैट टू बीच वॉज रियली ऑसम. ओके गाइज तो इतना ही था हमारा सफ़र Gokarna में. अगर आप लोगों को अच्छा लगा देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब. और ये वीडियो अगर अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन एंड गिव अ बिग थम्स अप. और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शायद ये वीडियो उन लोगों को हेल्पफुल हो सकता है जो लोग Gokarna आने के लिए प्लान करते हैं और नहीं भी करते तो भी देख के उनको अच्छा ही लगेगा. तो हमारा सफ़र Gokarna में यहाँ पे ख़त्म होता है बट ये हमारा ट्रिप यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है. हम और दो जगह जाने वाले हैं तो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर दैट टू प्लेसेस. आई एम श्योर यू आर गोना एन्जॉय दैट. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट. So stay tuned. I will see you guys at next place. Till then, bye-bye.